की ओर अच्छा ये भी हमारे बॉक्सर होता है, इसमें जनरल जनरल हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनल एंट्री बुक जनरल लेजर। ओके अब ये जनरल लेजर क्या होता है, लिखते पहले लेजर क्या होता है, ठीक है। लेजर क्या है, लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल रेलेवेंट अकाउंट। तो इट मीन्स लेजर खुद कोई चीज नहीं है, कलेक्शन ऑफ अकाउंट का नाम है। यानी कि आप कई अकाउंट बना लिए तो उसे कलेक्टिवली आप कहेंगे लेजर। और ये जो जनरल लेजर की हम बात करें, ये एक लेजर की एक टाइप है, ठीक। अब लेजर भी थ्री टाइप्स के होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लेजर पे बाद में बात करेंगे। अच्छा लेजर क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल रेलेवेंट अकाउंट। तो मेन चीज क्या है, मेन चीज आपकी अकाउंट, यानी कि आप कई अकाउंट बनाए तो उसे कलेक्टिवली आप कहेंगे लेजर। अब ये अकाउंट क्या होता है, ये लिखते हैं अकाउंट क्या होता है। एन अकाउंट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सिमिलर ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल, ठीक है। अच्छा कॉपी कर लें फिर समझाता हूँ। लेजर क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल रेलेवेंट अकाउंट। अब अकाउंट क्या है, अकाउंट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सिमिलर ट्रांजेक्शन। सिमिलर ट्रांजेक्शन को आप कहते हैं अकाउंट, जिसमें क्या, रिलेटिंग टू पर्टिकुलर आइटम ऑफ एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि हर एसेट का एक अलग अकाउंट बनेगा, हर एक्सपेंस का अलग अकाउंट होगा, लायबिलिटीज का अलग, रेवेन्यू अलग, कैपिटल अलग, ठीक। हर आइटम का एक सेपरेट अकाउंट होगा और उसमें उसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाए। सिमिलर जैसे कि एक हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे कि किस डेट पे हमने कितना कैश रिसीव किया और किस डेट पे कितना कैश पे किया। बैंक अकाउंट बनाएंगे तो उसमें सिर्फ बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी, सिमिलर बैंक की, कि कब हमने कितने पैसे डिपॉजिट करवाए, कब कितने पैसे निकाले, ड्रॉ किए। तो इसी तरह जैसे एक्सपेंस पे आ जाए, रेंट एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा, इसमें सिर्फ रेंट एक्सपेंस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी। सैलरी एक्सपेंस अकाउंट बनेगा तो उसमें सिर्फ सैलरी एक्सपेंस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, ठीक। इसी तरह हर आइटम का एक सेपरेट अकाउंट बनेगा और उसमें उसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, ठीक। अच्छा उसके मतलब अगर एक क्वेश्चन हम करते हैं तो उसमें कई अकाउंट बन जाएंगे आपके, जैसे भी हम लोग जनरल जनरल बना रहे हैं, अब उसमें जैसे कैश का अकाउंट होगा, बैंक होगा, कैपिटल बनेगा, रिसीवेबल, पेबल, सेल, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, फर्नीचर, मशीनरी, फर्नीचर का अलग होगा, इक्विपमेंट्स का अलग होगा, ठीक है। तो इट मीन्स अब एक क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो उसमें कई अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है। ओके तब उनको कलेक्टिवली आप क्या कहते हैं, लेजर। तो लेजर खुद कोई चीज नहीं है, कलेक्शन ऑफ अकाउंट का नाम, ठीक। अच्छा इसका फायदा क्या होगा, हर आइटम पे एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, अलग अलग अकाउंट बनाने के क्या, एक तो हाँ आपके पास देखिए हर आइटम पे एक सेपरेट रिकॉर्ड आ जाएगा, इजी हो जाएगा। अच्छा रिकॉर्ड करना आसान होगा, चेक करना भी आसान होगा, और आखिर में अगर आपको बैलेंस निकालना है तो बैलेंस फाइंड करना भी इजी हो जाएगा। जैसे अगर आपको कैश का बैलेंस कैलकुलेट करना है कि मंथ एंड पर या ईयर एंड पे कैश कितना आपके पास बचा है, तो अब हम जनरल जनरल से अगर कैलकुलेट करें तो मुश्किल काम होगा ना, इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे कैश डेबिट है, कहाँ पे क्रेडिट है, फिर प्लस माइनस करेंगे। अकाउंट बना के क्या होगा, कैश का एक अकाउंट बना हुआ होगा, सारी ट्रांजेक्शन एक जगह आपको मिल जाएंगी, वहीं पे आप प्लस माइनस करके बैलेंस इजीली फाइंड कर सकते। इससे फायदा ये दो एडवांटेज है कि हर आइटम पे एक सेपरेट रिकॉर्ड आपके पास आ जाता है, तो इजीली आप रिकॉर्ड कर ले, चेक कर सकते हैं, और बैलेंस भी आप इजीली फाइंड कर सकते, ठीक। अच्छा अब इसके पहले फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ, फॉर्मेट क्या होता है, कॉपी कर ले, इसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे और अकाउंट बनाएंगे। लेजर के टी अकाउंट, हाँ अकाउंट जो होता है तीन फॉर्मेट, तीन फॉर्मेट्स हैं, फॉर्म्स ऑफ अकाउंट,
अच्छा, पहले फॉर्म इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा। ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। देखिए, अब सेंटर में टाइटल ऑफ अकाउंट आएगा, एक अकाउंट नेम आ जाएगा। जैसे कैश अकाउंट है तो यहाँ कैश लिखेंगे, बैंक है तो बैंक, रिसीवेबल पेएबल बैंक, सैलरी। साइड में हर अकाउंट का एक नंबर होता है, कोड नंबर जो रेफरेंसिंग में यूज होता है वो लिखा जाता है। इसके बाद ये इसका फॉर्मेट हो गया, डेट डिस्क्रिप्शन पोस्ट रेफरेंस अमाउंट, डेट डिस्क्रिप्शन पोस्ट रेफरेंस। अच्छा, अब इसमें ये जो यहाँ तक ये लेफ्ट हैंड साइड है डेट से लेके अमाउंट तक, ये इसकी डेबिट साइड होगी, और फिर ये डेट से लेके अमाउंट तक ये इसकी क्रेडिट साइड। तो जनरल जनरल में डेबिट क्रेडिट के कॉलम साथ बनते हैं, टी अकाउंट में दोनों साइड अलग हो जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। तो ये तीन चार लाइंस का फॉर्मेट कॉपी कर ले नॉलेज के लिए। अच्छा, बाकी ये वाला फॉर्मेट यूज नहीं होगा, प्रैक्टिस में हम ये फॉर्मेट यूज नहीं करेंगे। तो सिर्फ तीन चार लाइंस का कॉपी कर लीजिएगा अपने नॉलेज के लिए, रिकॉर्ड यूज नहीं करेंगे। इसके बाद सेकेंड स्केलेटन फॉर्म, ये फॉर्मेट हम यूज करेंगे प्रैक्टिस बुक्स में, प्रैक्टिस में, एग्जाम में नॉर्मली ये फॉर्मेट यूज। ये स्केलेटन फॉर्म है, इसमें सिर्फ आपने दो लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो इसका शेप क्या बन रहा है, ठीक टी शेप बन गया ना। तो इसका कॉमन नेम टी अकाउंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। कॉमन नेम क्या है इसका, टी अकाउंट। अच्छा, इसमें कोई हेडिंग नहीं होगी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इसकी क्रेडिट साइड। तो इसमें हेडिंग वगैरह कुछ नहीं डालते, लेकिन जब ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी डेट भी लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे, अमाउंट भी लिखेंगे। तो प्रैक्टिस में ये फॉर्मेट हम यूज करेंगे, टी अकाउंट फॉर्म यूज होगी। स्पेडिंग कुछ नहीं होता, थर्ड फॉर्मेट ये कह रहा कि सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म, और इसका फॉर्मेट को अच्छा, इसमें सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में तीन कॉलम होते हैं, डेबिट क्रेडिट और बैलेंस का। और इस फॉर्मेट का फायदा क्या होता है, एडवांटेज क्या है कि इसमें हर ट्रांजेक्शन के बाद आपका बैलेंस अपडेट हो जाता है। और नॉर्मली ये फॉर्मेट जो है बैंक्स में यूज होता है, वैसे तो कहीं भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मली बैंक्स में यूज होता है क्योंकि इसका एडवांटेज ये कि हर ट्रांजेक्शन के बाद आपका बैलेंस अपडेट हो जाता है। इसलिए बैंक्स में तो यही फॉर्मेट यूज होता है, बाकी आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। आपका जो बैंक बैलेंस ऐसे होता है, बैंक में आपने डिपॉजिट करवाया, बैलेंस अपडेट हो जाएगा, बैंक से ड्रॉ किए तो बैलेंस आपका कम हो जाएगा ना। इसमें होता है फॉर्मेट में कि हर ट्रांजेक्शन के बाद आपका बैलेंस अपडेट होता रहा। जैसे बैंक बैलेंस होता है, डिपॉजिट कराया फॉरन चेंज हो गया, विड्रॉ किए फॉरन चेंज हो गया, रिमेनिंग आ जाए। तो इसका ये फायदा होता है इस फॉर्मेट का कि हर ट्रांजेक्शन के बाद रिमेनिंग बैलेंस आपका यहाँ पे आता रहेगा, शो होता रहेगा, आता रहेगा। तो इससे ये फॉर्मेट नॉर्मली बैंक्स में यूज होता है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको ये फॉर्मेट मिलेगा, थ्री कॉलम वाला। ओके, जनरल लेजर। अच्छा, जनरल लेजर क्वेश्चन नंबर 2.1। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 2.1 हम सॉल्व करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट कैसे देखिए, क्या लिखते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू ओपन एसेट लायबिलिटी कैपिटल अकाउंट कैन रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर जून इन द रिकॉर्ड ऑफ ये। तो अब हम इसको एज पर रिक्वायरमेंट सॉल्व करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, ठीक। अच्छा, जो इसके जनरल लेजर
अकाउंट्स हम बनाएंगे वो तो आप चाहे तो डायरेक्ट क्वेश्चन देख कर भी बना सकते हैं ट्रांजेक्शन को पढ़ के। गैस का जो हमने जनरल जनरल बनाया था इसको देख कर भी लेजर बना सकते हैं। ठीक है, ये हमने 2.1 जनरल जनरल बनाया था, अब इसको देख कर भी हम जनरल लेजर ये अकाउंट बना सकते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ कर भी बना सकते। सीधे हो जाए बातें नहीं। ठीक, अब देखिए पहली एंट्री क्या थी हमारी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एंट्री होगी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, ये हमने जनरल जनरल बनाया था। अब जनरल लेजर में दो अकाउंट्स बनेंगे, एक कैश का और दूसरा कैपिटल। ठीक है, दो टी अकाउंट्स बनेंगे, पहला अकाउंट कैश का और दूसरा अकाउंट बनेगा कैपिटल का, दो टी अकाउंट्स बन जाएंगे। देखिए पहली एंट्री क्या है, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, दो अकाउंट्स बनेंगे, कैश का दूसरा कैपिटल। ये हमने दो टी अकाउंट्स ड्रॉ कर लिए। अच्छा, कैश का अकाउंट बड़ा बनेगा फिलहाल और कैपिटल अकाउंट छोटा, तो ये मैंने मुझे तो खैर मालूम है, तो मैंने लाइंस काउंट करके बनाए हुए, तो आप लोग भी लाइंस काउंट करके कॉपी कीजिए। जैसे कैश अकाउंट है ना, ये 1 2 3 4 5 6 सेवन लाइंस तक ड्रॉ करेंगे, सेवन लाइंस के बाद आप बनाएंगे कैपिटल का टी अकाउंट और ये बनेगा कितना, 4 लाइंस का। अच्छा, सेकंड इसमें लेकिन लाइन थोड़ी ज्यादा है, ये फॉर्मेट का पार्ट है, आप लोग सिर्फ 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, जो ब्लैक वाली लाइन है ना, इसे 2 लाइन ड्रॉ कीजिएगा, तो आपका शेप क्या बनेगा, टी का शेप बन जाएगा। बाकी जो व्हाइट लाइन है ये ड्रॉ करना जरूरी नहीं, आपकी मर्जी है, ड्रॉ करना चाहे कर ले, ना करना चाहे ना करें। ठीक, अच्छा, दो अकाउंट बन गए, कैश और एक बैंक का कैपिटल का। ठीक, तो एंट्री हमने क्या बनाई थी, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, तो यहाँ पर इसको रिकॉर्ड करते हैं, कैश हो जाएगा डेबिट, डेबिट साइड पे लिखेंगे डेट अमाउंट आ गया, और कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा डेट, और तो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। अच्छा, डिस्क्रिप्शन फिलहाल मैं नहीं लिख रहा, डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है जरूरी होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है। ठीक है, फिलहाल हम सिर्फ डेट और अमाउंट लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन बाद में। राइट, तो ये पहली एंट्री हमने यहाँ रिकॉर्ड कर ली, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अच्छा, जो जनरल लेजर में हम ये जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, इसे हम कहते हैं लेजर पोस्टिंग, ये पोस्टिंग कहलाती है, ट्रांजेक्शन हमने लेजर में पोस्ट कर। ठीक है, तो ये पहली ट्रांजेक्शन हमने पोस्ट की, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो देखिए सेकेंड एंट्री हमने बनाई थी उसकी, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, तो अब इसमें बैंक का एक नया अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बना हुआ है, इसी में क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दे, तो अब एक नया अकाउंट बन जाएगा बैंक। अच्छा, देखिए कैश अकाउंट बना हुआ है, इसी में यहाँ क्रेडिट साइड पे इसको पोस्ट कर देंगे। ठीक है, बैंक का नया अकाउंट बनाएंगे, तो बैंक का न्यू अकाउंट बनेगा और बैंक हो जाएगा डेबिट, बैंक डेबिट हो गया, और जो कैश अकाउंट हमने बनाया था उसी में वो तो क्रेडिट साइड पर पोस्ट कर देंगे, कि जो कैश अकाउंट बना हुआ है उसी में इसको क्रेडिट साइड पर पोस्ट कर दें, ये भी 7 लाइन्स में बनेगा। तो ये आपकी एंट्री हो गई, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। बैंक अकाउंट भी आप लोग 7 लाइन्स तक ड्रॉ कीजिएगा, बड़ा बने नहीं, सेम लाइन पे आएगा, नीचे नहीं आएगा। इसमें टी अकाउंट बनाते हुए हम इसमें लाइंस नहीं छोड़ते, लाइन बाय लाइन लिखेंगे, ऊपर ही लिखेंगे, हाँ नीचे नहीं है, इसमें लाइन नहीं छोड़ते, लाइन बाय लाइन लिखते हैं। क्या भैया, नेक्स्ट है
ऑफिस फर्नीचर, डेबिट, अकाउंट्स पेबल, क्रेडिट। अब दो नया अकाउंट्स बनेंगे, एक ऑफिस फर्नीचर का, दूसरा अकाउंट्स पेबल का। अब दो नया अकाउंट्स बनाएंगे, ऑफिस फर्नीचर ये हो जाएगा डेबिट, और सेकेंड अकाउंट्स पेबल ये हो जाएगा क्रेडिट। ऑफिस फर्नीचर, डेबिट, अकाउंट्स पेबल, क्रेडिट। अच्छा, ये दोनों अकाउंट्स छोटे बनेंगे 4 लाइंस के से। फिलहाल एक ही बनाएंगे। अच्छा, पेबल फिलहाल हम रिसीवेबल एक ही बनाएंगे, उसमें फिर वो अलग अलग बहुत ज्यादा। तो नेक्स्ट एंट्री हमने बनाई थी इसकी वैन डेबिट बैंक क्रेडिट हुआ ना, वैन डेबिट बैंक क्रेडिट। तो अब वैन का नया अकाउंट बनेगा, बैंक अकाउंट बना हुआ है तो वैन का नया अकाउंट बनाएंगे वैन, और ये वैन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और बैंक अकाउंट पहले हमने बनाया था, उसी में इसको क्रेडिट साइड पर पोस्ट कर रहे हैं, वैन डेबिट बैंक क्रेडिट। तो वैन का नया अकाउंट बनेगा, बैंक अकाउंट बना हुआ है, उसी में क्रेडिट साइड पर पोस्ट। गैप नहीं दे, उसमें गैप नहीं आएगा, वही भी गैप। कॉपी कर लें, कॉपी कर लिया, कॉपी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री हमारी इक्विपमेंट्स, डेबिट, अकाउंट्स पेबल, क्रेडिट। तो अब इक्विपमेंट्स का नया अकाउंट बनेगा, पेबल हमने बनाया हुआ है, उसी में पोस्ट कर। अब नियो कार्ड बनेगा ऑफिस इक्विपमेंट्स या इक्विपमेंट्स डेबिट, और अकाउंट्स पेबल बना हुआ है, उसी में क्रेडिट साइड पर पोस्ट कर दे। तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी पोस्टिंग है, इक्विपमेंट्स डेबिट, अकाउंट्स पेबल, क्रेडिट। कौन इक्विपमेंट तो वो होते ना आपका, कंप्यूटर, प्रिंटर, फोटो कॉपियर, ये आइटम्स होते हैं इक्विपमेंट। वैन तो आपकी गाड़ी होगी, वो अलग होगा, वैन अलग। कॉपी कर लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री हमारी 18 में, अकाउंट्स पेबल डेबिट, ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट। अच्छा, ये दोनों अकाउंट्स बने हुए हैं, इसमें नया अकाउंट नहीं बनेगा, अकाउंट्स पेबल डेबिट, ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट। अभी दोनों अकाउंट्स बने हुए हैं, इसमें न्यू अकाउंट नहीं बनेगा, ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट हुआ और अकाउंट्स पेबल डेबिट होता है। ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट जी बना हुआ है, दोनों बने हुए, फर्नीचर भी बना हुआ है, पेबल भी बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें न्यू अकाउंट नहीं बनेगा। कौन से
समझा नहीं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री है, अब नेक्स्ट हमारी है 25, कैच रैबिट इक्विपमेंट्स क्रेडिट। कैश डेबिट इक्विपमेंट्स क्रेडिट दोनों अकाउंट्स बने हुए, इसमें भी नया अकाउंट नहीं बनेगा, तो कैश अकाउंट बना हुआ है कैश हो जाएगा डेबिट 200 से, और इक्विपमेंट्स क्रेडिट 200। कैश डेबिट इक्विपमेंट्स क्रेडिट दोनों अकाउंट्स बने हुए, कैश का पहला अकाउंट बना था ना, पहला अकाउंट कैश ही तो था सबसे पहला, अलग बने अकाउंट सीक्रेट तो ये होता है, लेकिन डायरेक्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस के बाद, प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट बना। एमसीक्यू तो खैर ये तो खैर अभी प्रैक्टिस है, एमसीक्यू तो ऐसा कुछ भी नहीं है, शॉर्ट हो जाएगी बनेगा, एक एक ट्रांजेक्शन होगी फिर क्वेश्चन में, एक ट्रांजेक्शन एक एंट्री दो नंबर, लेंदी थोड़ी है। टेस्ट अभी होगा कि नेक्स्ट वीक होगा, हाँ नेक्स्ट वीक होगा, थर्सडे को रखवा दो, पहले रख लेंगे थर्सडे रख लेंगे, ट्यूसडे रख लेंगे, वेडनेसडे रख लेंगे। टेस्ट वैसे आपके दो ही हुआ करेंगे, हर वीक दो टेस्ट, कैमे वन का हाँ okay, बस जैसे आपका सिलसिला स्टार्ट होगा टेस्ट का, तो हर वीक दो टेस्ट, एक कैमे वन एक कैमे वन जी। अभी बस जैसे स्टार्ट हो जाए तो ये फिर ऐसे चलेगा, तो अभी हो गया हाँ, जब आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे तो फिर हर वीक दो टेस्ट हुआ करेंगे, एक कैफे वन फिर एमए वन एमए वन। हाँ नेक्स्ट कौन सा दिन, 26 ना, अकाउंट्स पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, तो दोनों अकाउंट्स बने हुए, अकाउंट्स पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट होते हैं, अकाउंट्स पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट दोनों अकाउंट्स बने हुए, न्यू अकाउंट नहीं बने, क्योंकि 26 नेक्स्ट 28 कैश डेबिट बैंक क्रेडिट है, तो दोनों अकाउंट्स बने हुए हैं, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, कैश डेबिट 130 बैंक क्रेडिट 130, कैश डेबिट हो गया, अभी हो गया एंड लास्ट ट्रांजेक्शन है 30 हफ्ते, बैंक डेबिट लोन पेबल क्रेडिट, सब इसमें बैंक अकाउंट तो बना हुआ है, बैंक लोन पेबल का नया अकाउंट बनेगा, बैंक डेबिट और लोन पेबल क्रेडिट हो जाएगा 4000, तो लोन पेबल का नया अकाउंट बनेगा, इसको अकाउंट्स पेबल में रिकॉर्ड नहीं करते, लोन पेबल। ओके अभी ये कंप्लीट हो रही है, ये तो अभी एक स्टेप है, पहला स्टेप है हाँ, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट करेंगे अभी इनको, डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ तो बात की बात, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जी। हाँ अच्छा, ये तो हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए, इसे हम कहते हैं लेजर पोस्टिंग, ये हमने ट्रांजेक्शन पोस्ट कर पोस्ट हो गई है, अब क्या वो मंथ एंड हो गया, मंथ एंड पे क्या होगा, अकाउंट्स को हम क्लोज करेंगे, हर अकाउंट क्लोज होगा और हर अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, अब ये मंथ एंड पे कैश इन हैंड कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, अकाउंट्स पेबल कितने हैं, रिसीवेबल कितने, ये सब ठीक। तो मंथ एंड पे हर अकाउंट को हम क्लोज करेंगे और उसका बैलेंस फाइंड करेंगे, तो ये तीन स्टेप हो जाते हैं आपके, पोस्टिंग क्लोजिंग बैलेंस ठीक है, तो ये हमारी पोस्टिंग हो गई। हाँ
ये पोस्टिंग है, ये जो हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं इसे हम कहते हैं पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग, ठीक है। अब क्या है, मंथ एंड हुआ, मंथ एंड पर हम वन बाय वन हर अकाउंट को क्लोज करके इसका बैलेंस फाइंड करेंगे, ठीक। पहला अकाउंट है कैश का, ओके। देखिए हमने बैलेंस स्टार्ट किया था 17,500 से कैश से। अब मंथ एंड पर जून 30 पे कैश इन हैंड कितना है, अच्छा अब वो हमें फाइंड करना है बैलेंस ना। अब इसका तरीका क्या है, अब इसका तरीका क्या है बैलेंस फाइंड करने का, इससे पहले रफली बता देता हूँ, फिर बाद में इसका प्रॉपर फॉर्मेट आपको बताऊं। देखिए अच्छा, कैश में डेबिट साइड पर तीन एंट्रीज हैं। अच्छा यहाँ कैश डेबिट कब होगा, कैश अकाउंट डेबिट कब होता है, जब कैश रिसीव कर रहे हैं पैसे आ रहे हैं। क्रेडिट कब करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो रही है। तो ये हमने कैश रिसीव किया है और ये हमने कैश पे किया या डिपॉजिट किया। अब हमें बैलेंस मालूम करना है कि मंथ एंड पे कैश इन हैंड कितना है। इसमें आप क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, इसमें तो ये माइनस कर देंगे, बैलेंस आ जाएगा। अच्छा मैथ्स आप लोगों ने पढ़ी है, मैथ्स में आपको साइन का तो पता ही है ना, प्लस माइनस। अच्छा दो वैल्यूज अगर प्लस की हैं, प्लस माइनस हैं, और प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि सेम साइन ऐड होते हैं और डिफरेंट साइन माइनस हो जाते हैं, तो सेम रूल यहाँ पर भी है। मैथ्स में साइन होता है, यहाँ पर साइड है ना, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे रूल क्या है, डेबिट डेबिट प्लस क्रेडिट क्रेडिट प्लस डेबिट क्रेडिट माइनस हो जाएगा, वही रूल है, सेम साइड ऐड होंगी और आपको डिफरेंट साइड माइनस हो जाएगी। तब तो हमें कैश का बैलेंस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड को ऐड करेंगे, क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। अब बैलेंस आ रहा है 8,400, 430। अच्छा हम ये बैलेंस लिखेंगे किस साइड पर, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड। अच्छा वही मैथ्स का रूल है, अगर एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस है तो आप क्या करते हैं, माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसके साथ साइन कौन सा लगता है, बड़ी वैल्यू का ग्रेटर वैल्यू का ना। तो यहाँ पे सेम रूल है, जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा बैलेंस भी उसी साइड पे लिखा जाए। तब यहाँ पे हमारी डेबिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट साइड, डेबिट पे आप लिखेंगे बैलेंस 8,400, ठीक है। ये तो इसका एक रफ रफली मैंने एक आइडिया दे दिया, रफ तरीका क्या है, दोनों साइड का टोटल किया, डिफरेंस निकाला, जिस साइड का टोटल ज्यादा है बैलेंस वहां लिख लेना। अब इसका प्रॉपर तरीका क्या होता है वो बताता हूँ मैं, बस प्रॉपर फॉर्मेट क्या है, प्रॉपर फॉर्मेट ये, इसका पहला स्टेप ये होता है कि हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, ठीक है। इसके बाद जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा, जिस साइड का टोटल ज्यादा आएगा वो हम लास्ट ट्रांजेक्शन के बाद एक लाइन छोड़कर दोनों साइड पर लिख लें, ठीक है। 17,830, 17,830, ठीक। दोनों साइड का टोटल किया, जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा चाहे वो डेबिट साइड हो या क्रेडिट, ज्यादा वाला अमाउंट हम लिखेंगे डेबिट पर, वही अमाउंट हम लिखेंगे क्रेडिट पर। आप इसमें से कम वाली साइड माइनस करेंगे, इस टोटल में से कम वाली साइड को माइनस कर देंगे, ठीक है। जो माइनस करें तो बैलेंस कितना आएगा, 8,430। अब जो बैलेंस आएगा वो पहले हम लिखेंगे कम वाली साइड पर और बाद में उसको ले जाएंगे बड़ी साइड, ठीक है। तो पहले जो डिफरेंस आएगा बैलेंस वो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर, और फिर इसको उठा के ले जाएंगे डेबिट साइड, बड़ी साइड, ग्रेटर वाली साइड। आपको बताता हूँ अभी मैं बैलेंस देखें, अभी सीधी वीडी बताता हूँ उसका मतलब क्या है। तो ये इसका एक कंप्लीट फॉर्मेट, तो बैलेंस कहां पर आ गया, बड़ी साइड पर आ गया और वहीं पे आना चाहिए था। ओके इसको रिपीट कर देता हूँ, माइनस भी नहीं है। नहीं देखिए रफली आप करें तो इसका डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो माइनस करके जो बैलेंस किस साइड पर आएगा, डेबिट पे आएगा, ठीक। माइनस में क्यों आएगा, माइनस में नहीं होता, ठीक। अब प्रॉपर तरीका क्या है, रिपीट कर देता हूँ, दोनों साइड का टोटल करेंगे, जिस साइड का टोटल ज्यादा आएगा वो दोनों साइड पर लिखेंगे, उसमें से कम वाली साइड माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा वो पहले हम लिखेंगे कम वाली साइड पर और फिर उसको उठा के ले जाएंगे बड़ी साइड पे, ग्रेटर साइड, ठीक। इस तरह
ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तीन स्टेप हो गया, पोस्टिंग, क्लोजिंग, बैलेंस। ठीक है, पोस्टिंग, क्लोजिंग, बैलेंस। अच्छा, अब इनकी सीडी और बीडी की फुल फॉर्म बता देता हूँ। हाँ भाई, अच्छा देखिए, सीडी की फुल फॉर्म होती है कैरी डाउन। एक वर्ड होता है कैरी, CARRY, कैरी की थर्ड फॉर्म कैरी। तो सीडी की फुल फॉर्म है कैरी डाउन, कैरी डाउन, कैरी डाउन। और बीडी एक वर्ड होता है आपका ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। थर्ड फॉर्म ब्रॉट डाउन, इसके फुल फॉर्म होगी ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन। तो मंथ एंड के बैलेंस के साथ टर्म लिखेंगे कैरी डाउन, और मंथ स्टार्ट के बैलेंस के साथ ब्रॉट डाउन। ओके, कॉपी कर लें। क्या मानते हैं हाँ भाई, ठीक है, नाम सही है, ये तो क्या बड़ा है, नाम क्या है आपका? शुभम, शुभम, ठीक है, शिवम होता है आपका, है शुभम। कॉपी कर लिया। अच्छा, सेकेंड हमारे पास है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को बैलेंस करते हैं, क्लोज करते हैं। ओके, अब इसमें ठीक है, अब इसमें भी बैंक में भी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है। डेबिट साइड का टोटल है 13,400, क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है। सही, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल, आवाज नहीं आई, ठीक है, डेबिट साइड का टोटल डेबिट पे लिखा, वही टोटल क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसके बाद इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, बैलेंस आ जाएगा आपके पास 6180, 6180। और फिर से उठा के हम ले जाएंगे ग्रेटर साइड पे, बड़ी साइड पर, डेबिट साइड, कैरी डाउन, और ये ब्रॉट डाउन। तो मंथ एंड के बैलेंस के साथ टर्म यूज होगी कैरी डाउन, और स्टार्ट के बैलेंस के साथ ब्रॉट डाउन। अच्छा, अब यहाँ डेट भी देख लें, यहाँ डेट है 30 जून, तो आज अगर जून एंड हो रहा है तो कल क्या डेट होगी, ठीक है, तो वहां नेक्स्ट मंथ की डेट आ जाएगी। बंद करें, यहाँ करंट मंथ एंड की डेट आएगी, यहाँ नेक्स्ट मंथ की स्टार्ट की डेट आएगी। आज 30 जून है, तो कल क्या डेट होगी, 1 जुलाई। ओके, तो ये बैंक अकाउंट क्लोज हो गया हमारा, और ये बैंक बैलेंस हमने फाइंड कर लिया कितना, 6,180। अच्छा, ये कैश और बैंक, ये दो अकाउंट्स मैंने स्टेप वाइज बैलेंस और क्लोज किए। इसके बाद वाले जो अकाउंट है वो सब मैंने डायरेक्ट सॉल्व किए हैं, ठीक है, डायरेक्ट कंप्लीट किए, तो वो समझ लें, बाद में कॉपी कर लें। कॉपी कर लिया, कॉपी हो गया। तो नेक्स्ट है आपके पास, कैपिटल होगा, बल्कि वो मैंने लास्ट में ही लिखा हुआ है। फिलहाल ऑफिस फर्नीचर, ये बातें नहीं कर रहा, आवाज नहीं है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट कंप्लीट किया हुआ है, इसको समझ लो। आपके पास अब ऑफिस फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा हुआ है 2,100, चेक करें, क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है 260। अब इसमें डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट पे लिखेंगे 2,100, यही टोटल क्रेडिट साइड पर 2,100, माइनस करेंगे इसमें से 260, तो बैलेंस आ जाएगा 1,840, कैरी डाउन, और ये नेक्स्ट मंथ में ब्रॉट डाउन। अच्छा, अब इसमें एक चीज और, यहाँ टोटल के नीचे सिंगल लाइन, तो आपने डबल लाइन ड्रॉ करनी, ये फॉर्मेट का इश्यू था। टोटल के नीचे हमेशा डबल लाइन आएगी, जिस तरह ये हमने कैश और बैंक अकाउंट में ड्रॉ की थी ना, डबल लाइन, टोटल के नीचे डबल लाइन, डबल लाइन का मतलब यहाँ पे अकाउंट क्लोज, ठीक।
बाकी सब में भी आप टोटल के नीचे डबल लाइन ड्रॉ कीजिएगा, यहाँ पे सिंगल लाइन, फॉर्मेट का इशू है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है अकाउंट्स पेबल, ये समझ ले बाद में कॉपी करें। अब इसमें देखिए आपके पास क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है 2100 और 2300 है ना, और डेबिट साइड पर है 260 और 1840। तो इसमें आप देखिए रिवर्स, अब ये समझ ले जरा, अकाउंट्स पेबल में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, टोटल कितना बनेगा 4400 ना, और डेबिट साइड का टोटल काम है, तो इसमें डेबिट साइड काम है क्रेडिट ज्यादा है, तो क्रेडिट का टोटल क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, यही टोटल डेबिट साइड पर आएगा, और इसमें से आप डेबिट साइड माइनस करेंगे तो बैलेंस अब आएगा डेबिट पे, कैरी डाउन डिफरेंस पहले डेबिट पे और फिर ये आपका क्रेडिट साइड पे चला। अभी बिल्कुल रिवर्स हो गया ना, क्योंकि उसमें क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था, डेबिट साइड का टोटल कम था, इसका बैलेंस क्रेडिट पर आएगा। सही, क्रेडिट का टोटल किया हमने 4400, यही टोटल डेबिट साइड पे लिखेंगे, तो डेबिट साइड माइनस किया हमने 260 और 1840, बैलेंस बच गया 2300 कैरी डाउन, और ये क्रेडिट साइड पे जाकर ब्रॉड डाउन। अच्छा बीच से और नोट कर लेंगे, जो कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन है ये हमेशा अपोजिट साइड पर आएंगे, जैसे ऑफिस पर डीसी में क्या था, कैरेट डाउन क्रेडिट पे था, ब्रॉड डाउन डेबिट, यहाँ कैरेट डाउन डेबिट है तो ब्रॉड डाउन क्रेडिट, तो कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन हमेशा अपोजिट साइड पर। डेबिट ज्यादा थी क्रेडिट कम, क्रेडिट ज्यादा है तो ये रिवर्स हो गया ना, रिवर्स हो गया। कॉपी कर रहे हैं भाई, बोल बोलो 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 नेक्स्ट है वैन अकाउंट। अच्छा अभी ये समझ ले जरा, तो वैन अकाउंट में सिर्फ एक एंट्री है डेबिट साइड पे ना, 5250, क्रेडिट पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो मतलब जीरो हो गया ना। अब ये डेबिट साइड से आ रहा है, इसमें डेबिट पे लिखेंगे 5250, यही टोटल क्रेडिट पे आएगा 5250, अब इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करें यानी कि जीरो, तो यही बैलेंस आ जाएगा आपके पास 5250 कैरी डाउन, और ये डेबिट पे जाके ब्रॉड डाउन, अभी आएगा वो भी आएगा, अभी कैपिटल में ऐसे ही होगा। रिपेयर एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा, वो अलग बनेगा। हाँ क्रेडिट उस वक्त होगा जब वैन सेल करेंगे आप, वैन आपकी सोल्ड होगी, आप सीधे हो जाए जादू इधर आगे देखिए, आगे देखिए आगे जी। अच्छा नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स। अच्छा अब इक्विपमेंट्स अकाउंट में डेबिट साइड पर एक एंट्री है 2300 और क्रेडिट साइड पर है 200, इसमें डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट पे लिखेंगे 2300, क्रेडिट पे लिखेंगे 2300, माइनस करेंगे 200, तो बैलेंस आ जाएगा 2100 कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन। कॉपी कर लें, नेक्स्ट लोन पेबल। लोन पेबल है
अब इसमें देखें, लोन पेबल में आपके पास सिर्फ एक एंट्री है, क्रेडिट साइड पे ना 4000, डेबिट पे कुछ नहीं है जो आप ही पूछ रहे हैं। ठीक, अब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, 4000 क्रेडिट पे लिखेंगे, 84000 डेबिट पे लिखेंगे, डेबिट साइड माइनस करेंगे जीरो, तो यही बैलेंस आ जाएगा 4000 कैरेट ऑन इधर डॉलर। ये वो जो आप पूछ रहे थे। ठीक, अच्छा सेम उसमें सिचुएशन उसमें है कि ये कैपिटल अकाउंट में भी ऐसे ही होगा, लिख लें पहले। जी कॉपी कर लिया, कंप्लीट कर लें फिर। ओके, कॉपी हो गया सब। लास्ट है कि आपका कैपिटल ना, कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैपिटल में भी क्रेडिट साइड पर एक एंट्री है, डेबिट पे कुछ नहीं है ना, तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट पे लिखेंगे 17500, डेबिट पे 17500 माइनस करेंगे जीरो, तो यही बैलेंस आ जाएगा कैरी डाउन और ये। ओके जी, कॉपी कर लें। अभी आप